नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज न्यूज इंडिया। भारतीय किसान संघ ने अनुविभागीय अधिकारी शिवनी मालवा को मुख्यमंत्री के नाम सोमवार को अपनी मुख्य मांगों को लेकर 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इसमें से ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए, किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए, शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर सभी कृषि उपज की खरीदी सुनिश्चित की जाए, मध्य प्रदेश सरकार के वचन पत्र के अनुसार 2 लाख तक का प्राइवेट एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों से जुड़े किसानों का कर्ज शीघ्र माफ किया जाए, कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत सोयाबीन एवं मक्का उत्पादक किसान क्विंटल सुनिश्चित किया जावे। ब्लॉक अध्यक्ष शंकर सिंह पटेल ने बताया कि अगर जल्द किसानों की मांगें पूरी नहीं की गई तो भारतीय किसान संघ उग्र आंदोलन करेगा। बैठक में मौजूद रहे ब्लॉक अध्यक्ष शंकर पटेल, ब्लॉक मंत्री इंद्रजीत राजपूत, नगर अध्यक्ष राकेश राठौर, संतोष पटवारे। देखिए शिवनी मालवा से प्रमोद पटेल की खास रिपोर्ट। किस बात को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है? आज शासन के द्वारा जो घोषित लंबित मांगे हैं, जैसे 2 लाख का कर्ज माफी, 160 रुपये गेहूँ का बोनस, 500 रुपये पिछले सोयाबीन की बोनस राशि और जितनी भी लंबित घोषणाएं कर दी थी इनने, उनको लेके था और पूरे प्रदेश में हर तहसील स्तर पर कर किसान संघ द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्या मांगे की गई है और क्या आश्वासन मिला है? इसमें जिला सहकारी बैंक से हम लोग जो ऋण लेते हैं उसमें ऋण के आधार पर प्रीमियम लगनी चाहिए, लेकिन बीमा नीति में किसान को प्रति हेक्टेयर खरीफ फसल पे 36,000 रुपये ऋण मान के प्रीमियम लिया जाता है, जो पूरी तरह से गलत है और किसान विरोधी है। किसान ने अगर 10,000 का ऋण लिया तो 10,000 पे ही प्रीमियम लगनी चाहिए, अतिरिक्त प्रीमियम किसान का नहीं लगना चाहिए। बीमा नीति में सुधार करने की आवश्यकता है। में क्या मांगे की गई है? मांगों में सभी किसानों की सारी समस्याएं ली गई हैं। उसमें सबसे मेन तो ये है कि मूंग समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं हो रही है, उससे 1800 से 2000 रुपए क्विंटल का प्रति किसान को प्रति क्विंटल नुकसान हो रहा है, तो मेन पॉइंट वो है। और लाइट भी अभी धान रुपाई चल रही है, मुश्किल से 5 से 6 घंटे मिल पा रही है, एक पॉइंट ये भी लिया है हमने। और भी सारी समस्याएं ली गई हैं। इस समय मूंग की खरीदी चल रही, उसमें मुश्किल से किसान को 4500 से 5200 तक भाव मिल पा रहा है, तो इन्हीं सभी समस्या को लेकर आज ज्ञापन दिया।